इसका ताल्लुक फाइनेंस बिल या एक्ट से नहीं है। ठीक है, टू इलाबरेट एंड टू कीप इट सिंपल, एक्चुअली जब कोविड आया था तो 11 शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ था कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में, और कई लोग अब भी इसके एम्बिट में आते हैं, और इनके लिए स्पेशल सेक्शन लाया गया था 100D। 100D जो लाया गया था, और इसके साथ साथ 11 शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ, और इनके लिए स्पेशल टैक्स रिजीम लाई गई जो कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आते हैं और डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स के लिहाज से आते हैं। लेकिन ये लोग एडवांस टैक्स जो थे वो पे नहीं कर रहे थे। इनका कहना ये था कि हमारे लिए सेक्शन 147 नहीं है, हम तो स्पेशल टैक्स रिजीम में 100D के जरिए 11 शेड्यूल में गिर जाते हैं, और नॉटविथस्टैंडिंग लिखा हुआ है चूंकि 100D में, तो नॉटविथस्टैंडिंग की वजह से 147 जो है हम पे अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए इस प्रोविजन को चेंज किया गया ताकि 147 के एम्बिट में जो ऊपर वाली करेक्शन है जो 4C को लाया गया वो सुपरटेक्स से कनेक्टेड है, कि सुपरटेक्स वालों ने भी ये आर्गुमेंट किया था तो 4C डाल दिया इन्होंने, ठीक है यहाँ पे। और जहाँ 2A की जरूरत पड़ी वो 2A, अपने ये जो 5C की जरूरत पड़ी तो 5C इन्होंने डायरेक्टली इधर प्लेस कर दिया इस जगह पे। ठीक है, लेकिन इसका जाहिर है जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे ज्यादा ताल्लुक नहीं है। इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जब आप घर बनवाएंगे या फ्लैट खरीदेंगे तो उन डेवलपर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली आप पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कि ऑल्दो इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन द पर्सन अर्निंग इनकम, लेकिन पाकिस्तान का एनवायरनमेंट में ये मेजॉरिटी पास ऑन कर देती है टूवर्ड्स कंज्यूमर, और कंपनियां भी जितना भी इनकम टैक्स लगता है उसकी कैलकुलेशन करती है और अपनी प्राइसिंग मैकेनिज्म में उसको डालने की कोशिश करती है, वो भी पास ऑन हो जाता है। तो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अल्टीमेटली कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है, और अल्टीमेटली फिर ज्यादातर सैलरीड पर्सन को भुगतना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है सकते हैं, इसलिए कि मजीद डिस्कशन नहीं है, लेकिन हमारी कुछ डिटेल्स में बता दूं जो कुछ लोगों को नहीं मालूम होंगी, और चूंकि आज कुछ लोग पहली दफा वर्कशॉप में शामिल हुए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दे मस्ट नो अबाउट अस और फ्यूचर में, ताकि हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी ईमेल्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और जो क्विक कमेंट्री सब्सक्राइबर हैं उनको हम हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं फ्यूचर के उनकी ईमेल एक दफा कम से कम आएगी, और जो हमारे बाकी गूगल पे होते हैं उनको एक से ज्यादा दफा जाती है, और इसीलिए कमेंट्री आपको एक दफा आती है लेकिन आपको सारी कमेंट्री आती है, उनको कुछ कमेंट्री आती है। जो कस्बातियन कंपनी है उस सिलसिले में जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे बारे में चाहिए आपको, तो यू हैव रेडीली अवेलेबल द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अमसल हु इज सीनियर मैनेजर, और हिज फोन नंबर इज अवेलेबल एंड हिज PTCL नंबर इज नंबर ऑफ आवर ऑफिस आर अवेलेबल एंड हिज ईमेल एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम अस विच इज 786.com एंड ही इज also helpful in very at a low price return filing for individuals and businessmen and corporate level ke upar mere sath wo picture mein zyada aate hain, aur businessman ke case mein complicated case mein he is with me in picture, otherwise mashallah he is independently dealing with several people, aur baki meri team iske ilawa hai mashallah Nibyan and Hasnain jo deal karte hain aapse contact mein, jo log jo honge wo zahir hai Hasnain hai
जो इस प्रोग्राम के लिए भी कोऑर्डिनेशन में थे। मेरे नंबर्स भी आपके लिए रेडीली अवेलेबल हैं, अगर मेरा नंबर आपको किसी वक्त इंगेज मिले या नव पिकअप हो तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई मोबाइल, बट नॉर्मल मैसेज, नॉट द व्हाट्सएप मैसेज, इसलिए कि आई गेट ओवर 1,000 व्हाट्सएप पर डे, तो इसलिए व्हाट्सएप पे ये नंबर तो मौजूद है लेकिन आई डोंट सी, जैसे मुझे नॉर्मल एसएमएस करने, आई विल कॉल बैक इफ समथिंग इज अर्जेंट, और इन इनमें से किसी से बात कर लें और इनको मैसेज दे दें कि मैं अर्जेंटली कॉल कर लूँ, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अर्जेंटली कॉल यू। हमारी मेन सर्विसेज में यू आर अवेयर के सेवरल लॉज जिसको हम कॉमेंट्री लिखते हैं, फिर इसके बाद एज ए स्लोगन टैक्स एंड प्रोफेशनल एक्सलेंस यूज करते हैं, टैक्स एक्सलेंस के नाम से भी और प्रोफेशनल एक्सलेंस के नाम से भी। हमने एड ऑन प्रोफेशनल एक्सलेंस इसलिए किया कि पहले हम सिर्फ टैक्स देखते की चीजें देख रहे थे, अब हम कॉरपोरेट हैं, फाइनेंस है, एचआर है और दीगर कंपनी लॉ की चीजें हैं, वो सब हम देखते हैं, उसके एडवाइजरी मैटर को भी एड्रेस करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसमें अंदर जाके कमेंट्री भी, पुरानी जितनी भी कमेंट्रीज हैं वो देख सकते हैं, लेकिन कमेंट्री के से आगे जाके जब आप कमेंट्री खोलने बैठेंगे तो फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड नेचुरली जो हमारे मेंबर्स कोई कमेंट्री के हैं उसको हम नॉमिनल चार्जेस के बाद वो दे देंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ बग्स हैं थोड़े बहुत, वो बग्स को रिमूव करके हम नई वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं जो शॉर्टली इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ये फेसबुक पेज है टैक्स एक्सीलेंस के नाम से, इसके ऊपर ओवर 11,000 लाइक्स एंड फॉलोवर्स हैं टिल टुडे 11/7/23 तक, या रादर सॉरी 11/7/23 तक। फिर इसके बाद जो है वो ये बेसिकली 11/7/23। इसी तरह से यूट्यूब पेज है जिसमें आज तक का स्टेटस है कि 1400 प्लस सब्सक्राइबर है और हम लास्ट वन मंथ से इसमें ज्यादा एक्टिव हुए हैं, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, और जब आप सब्सक्राइबर और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारी अपलोडेड वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेंगी। स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे को वीडियोस ज्यादा रिलीज करें ताकि आप सैटरडे संडे को कंस्ट्रक्टिव चीजें देख सकें। इसके अलावा हमारा ये ऑफिस का एड्रेस है और वी आर रजिस्टर्ड इन गूगल मैप, तो गूगल में भी अगर आप टैक्स एक्सलेंस डालेंगे तो हमारी ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, और आप होपफुली जो है हमारे यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइबर बन जाएंगे और फेसबुक के लाइक एंड फॉलोवर बन जाएंगे, और कोई और चीज अगर रह गई हो तो फील फ्री टू आस्क, स्टिल वी हैव स्टिल कपल ऑफ मिनट्स एल्स। थैंक यू वेरी मच और आई लाइक द लॉट एंड आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया, हर तरफ से क्वेश्चन आए, दैट्स वेरी गुड फ्रॉम बोथ दी एंड्स एंड अदर फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। और इसके अलावा कोई भी चीज हो तो फील फ्री टू रीच मी और माई कॉलीग्स। थैंक यू वेरी मच।